दोस्तों डब्ल्यूटीसी 2023 के फाइनल में एक विवाद देखने को मिला। भारत की चौथी पारी में एक ऐसा निर्णय थर्ड अंपायर ने दिया जो शायद गलत था, इस पर तमाम लोग उंगलियां उठा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग से लेकर तमाम क्रिकेटरों ने ट्वीट कर दिया है कि ये बिल्कुल थर्ड अंपायर ने आग पर पट्टी बांध कर फैसला दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की कैच की जो कैमरन ग्रीन ने पकड़ा। दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी और मैं हूँ विकास गौड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों भारतीय टीम को 444 रनों का टारगेट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल देखने के लिए मिला। भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। भारतीय टीम अच्छी लय में नजर आ रही थी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल लगातार रन बना रहे थे और लगातार चौके पर चौके जड़ रहे थे। तभी 8वें ओवर की पहली गेंद पर स्कॉट वॉरन की गेंद पर गली में कैमरन ग्रीन ने कैच पकड़ा, उनके बाएं हाथ की तरफ कैच गया। उन्होंने कैच तो पकड़ लिया लेकिन जब अंपायर ने देखा तो उनको जो मैदानी अंपायर थे उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने सीधे तीसरी अंपायर का रुख किया जहां वे देख सकते थे कि क्या वे आउट है या नहीं। थर्ड अंपायर को लगा कि गेंद उनकी हाथों में है, फंसी हुई है, उंगलियां नीचे हैं गेंद के क्योंकि गेंद जमीन को छू रही थी, तो उन्होंने सीधे बिना किसी ज्यादा देर के एक दो एंगल देखे और आउट दे दिया। लेकिन जब उनकी तस्वीरों को देखते हैं, चाहे वो स्टिल कैमरा से ली गई हो या फिर वैसे ही देखें, तो देखा जा रहा है तो दो उंगलियां एक तरफ है, दो उंगलियां एक तरफ है, गेंद उनके नीचे है। जो पीछे से फोटो ली गई है उनमें देखा जा रहा है तो गेंद बिल्कुल ऐसे रखी हुई है और सीधे जमीन से टच हो रही है। बहुत तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।